सो हाय एवरीवन, अभी अभी थोड़े पहले एमसीसी ने राउंड थर्ड का जो आप नीट 2023 का जो राउंड थर्ड का है वो रिजल्ट रिलीज कर दिया गया है। तो हम अभी डिस्कस करेंगे राउंड टू और राउंड थर्ड दोनों में क्या डिफरेंस आई है, जो पिछली बार का रिजल्ट है और इस बार का रिजल्ट है उसमें क्या डिफरेंस है। यदि आप देखते हो अनरिजर्व का सेकेंड राउंड अनरिजर्व का वो आपका 22,104 पे है, वही आपका राउंड थर्ड में 22,663 रैंक पे है। एक नंबर का डिफरेंस हुआ है, पिछली बार आपको 612 पर था, इस बार आपका 611 पे है। जबकि वही EWS का देखते हो तो EWS से 24,430 पे है, 608 नंबर पे, और राउंड थर्ड में EWS आपका 24,659 नंबर, 608 नंबर पे है, 24,659 रैंक पे है। OBC का बात करते हो तो OBC 22,456 पे रैंक है और 612 रैंक नंबर था पिछली बार सेकेंड राउंड में। थर्ड राउंड में यदि यही पे आओगे तो आप केवल 300 रैंक का डिक्रीजमेंट हुआ है, 22,784 और 611 नंबर पे है। SC कैटेगरी में नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होते हैं जिसकी वजह से इसका सेकेंड राउंड में 1,16,887 रैंक था और 492 मार्क्स पे इसका क्लोज हुआ था। लेकिन वही आपका थर्ड राउंड में 1,23,215 और 686 नंबर पे क्लोज हुआ है। ST कैटेगरी का जब देखते हो तो आपका 1,45,254 रैंक पर है और स्कोर है उसका 465 जो कि सेकेंड राउंड का है। वही आपका थर्ड राउंड में देखते हो 1,59,636 रैंक है, 453 मार्क्स पे क्लोज हुआ है। SC और ST कैटेगरी में नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होते हैं जिसकी वजह से आपको इतना डिक्रीजमेंट देखने को मिलना है। सबसे ज़्यादा तो शॉकिंग न्यूज है कि आपका EWS में जो आपका सबसे कयास लगाया जाए कि 25,000 तक जा सकती है, बट केवल आपको 200 रैंक का ही इंक्रीजमेंट हुआ है। ST अनरिजर्व और OBC कैटेगरी में एक नंबर का डिक्रीजमेंट हुआ है, केवल एक मार्क नंबर का डिक्रीजमेंट हुआ है। अब तो आप सबको भी पता ही होगा कि थर्ड राउंड में कोई अपग्रेडेशन नहीं होने वाला है, आप कॉलेज को छोड़ भी नहीं सकते हो। तो ऑल द बेस्ट, आप कॉलेज ज्वाइन करो और अपना जर्नी शुरू करो। थैंक यू सो मच।